दोस्तों मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारा जानकारी मैं प्रोवाइड करवाऊं जिससे आपको फायदा हो, सिर्फ आपको बेनिफिट मिले, लॉस आपका कुछ भी नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा, और मेरा यही प्रयास रहता है। और इसलिए दोस्तों मैंने कीबोर्ड 91 मोल 91 के अलावा भी कुछ वीडियो आपके लिए बनाया है जो आपके लिए फायदेमंद है। जैसा कि कल ही का वीडियो दोस्तों मैंने बताया था कि पेपल अकाउंट क्या होता है, अगर उसको आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत ही काम का चीज है। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं जो भाइयों ने अभी तक नहीं देखा है। और दोस्तों कल का वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों ये बताना मुझे इसलिए जरूरी है क्योंकि कल का वीडियो में एक कॉमेंट आया था कि पेपल और कीबोर्ड 91 का कोई रिश्ता है क्या, मतलब कीबोर्ड 91 में पेपल अकाउंट आ रहा है क्या, आएगा क्या, कुछ रिलेशन है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड 91 इंडिया का ही कंपनी है और इंडिया में दोस्तों पेमेंट के लिए हम लोग के पास पेटीएम है, बैंक में आ जाता है पैसा, तो इसके लिए पेपल का तो जरूरत है ही नहीं। पेपल का जरूरत कब पड़ता है मैंने बताया है उस वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा, सीख लिया होगा कि क्यों जरूरत पड़ता है। इसलिए दोस्तों मेरा प्रयास सही रहता है कि आप लोगों को सारा जानकारी प्रोवाइड करवाया जाए जो आपके लिए फायदेमंद हो, और पेपल अकाउंट अगर आपके पास रहेगा तो फायदेमंद ही देगा, कभी ना कभी आपको फायदा ही पहुंचेगा, कभी ना कभी वो काम में आ ही जाएगा, समझ गए। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं, और इसलिए दोस्तों मैं मोल 91 और कीबोर्ड 91 के अलावा भी कुछ वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और यही मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए दोस्तों प्लीज आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आप हमारे चैनल पर विश्वास करते हैं तो दोस्तों मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको सारा चीज का जानकारी आपको हमेशा देता रहूं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने बताया था कि पेपल अकाउंट क्या होता है और पेपल अकाउंट से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका यूज क्या होता है। आज मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि पेपल अकाउंट में बैंक को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर बैंक को ऐड नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि पेपल के माध्यम से जो पैसा है आपका सीधे बैंक अकाउंट में आता है, तो जाहिर सी बात है बैंक को ऐड करना पड़ेगा, तो कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में आज बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जानना चाहिएगा, जरूर जानना चाहिएगा कि पेपल में बैंक को कैसे ऐड किया जाता है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं भैया, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया है आपको कि पेपल अकाउंट क्या होता है और पेपल में बैंक कैसे ऐड करना है, वही मैं बताने वाला हूं। इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं अपने मोबाइल में आपको लेकर चलूंगा, क्योंकि मोबाइल में ले जाऊंगा तभी तो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे जो है बैंक को जोड़ते हैं पेपल में, ठीक है, समझ गए। तो प्लीज अगर कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि अपना समस्या आप लोग लिखते रहिएगा, न किसी कीबोर्ड 91 का है प्रॉब्लम बल्कि और भी कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो वो भी लिखिएगा। भैया मैं हूं किस लिए, आप लोग के मदद के लिए हूं, और वीडियो के माध्यम से ही आपको मदद कर सकता हूं, या वैसे भी दोस्तों मैंने तो अपना नंबर भी दे रखा है, तो आप लोग व्हाट्सएप करते हो, बात करते हो हमसे, तो जहां तक मैं मदद कर पाऊं वहां तक मैं करूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने मोबाइल में आपको लेकर चलते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे मोबाइल में चलने के लिए? बिल्कुल तैयार होंगे, क्यों तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जानकारी तो आपको चाहिए ना। तो चलिए मेरे मोबाइल में, ठीक है। तो ठीक है भैया, आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में आपको लेके आ गया हूं, मेरे मोबाइल का इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो बढ़िया से देख लीजिए, अब यहां पे हम क्या करेंगे, पेपल अकाउंट में कैसे बैंक को ऐड करेंगे, अब आराम से बता रहे हैं, आप लोग भी आराम से बैठ जाइए मोबाइल को लेकर के जहां है वहां, और आराम से इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो भी घूमना फिरना होगा, जो भी सब्जी मार्केटिंग करना होगा आप लोग कर लीजिएगा, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपसे, ठीक है। तो चलिए मैं सीधा चलता हूं पेपल अकाउंट में। तो आप जैसा कि आप सभी लोगों ने अपना आईडी बना लिया होगा पेपल में, मैंने बता दिया था वीडियो में, तो आप लोग बना लिए होंगे, तब उस पेपल में जो मैंने आईडी बनाया है उसमें लॉग इन करूंगा, ठीक है। तो लॉग इन करने के लिए क्या करूंगा, क्रोम में चलूंगा, क्रोम में जाने के बाद दोस्तों क्या करूंगा, यहां पे सीधा लिखूंगा पेपल बिजनेस, ठीक है, पेपल बिजनेस साइन अप पे लिख देता हूं दोस्तों, मैंने ये लिख दिया। अब यहां पे सिंपली आपको यहीं पे क्लिक कर लेना है इसको, ठीक है। तो चलिए इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं दोस्तों। क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, यहां पे सीधा साइन अप पे आ गया है। तो भैया हम तो साइन अप ऑलरेडी कर लिया हूं, तो यहां एक काम कीजिएगा आप लोग, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहां पे आप एक काम कीजिएगा, सॉरी यहां पे आप जो है सिर्फ पेपल बिजनेस लिखिएगा, ठीक है, साइन अप नहीं लिखिएगा, समझ गए, या फिर लॉगिन लिख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो है ना पेपल बिजनेस अकाउंट लॉगिन, साइन अप करने के बाद लॉगिन करना होता है, तो आप ये लिख सकते हैं, ये डाल सकते हैं, समझ गए। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेपल बिजनेस है, यहाँ पे सबसे पहला जो है यहाँ पे क्लिक करिए, या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ क्लिक कीजिएगा लॉगिन इनटू प्योर पेपल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। वैसे भी दोस्तों अगर आप लोगों ने ऐप अगर डाउनलोड किया होगा तो या ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ऐप में जाके वहाँ पे आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, समझ गए।
ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। मैंने बता दिया था कि सुरक्षा व्यवस्था जो है पेपल का बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता है ऐप का, ठीक है। इसलिए आप लोग वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए क्लिक हो गया। आप सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा ये आईडी था, मैंने दिखाया था कल आईडी बनाया था, तो एसएमएस इंटरटेनमेंट ये देख लीजिए। देखो एसएमएस कॉमेडी मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, उसी का ईमेल आईडी से मैंने बनाया है दोस्तों। यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो भैया हम पासवर्ड एक बार डाल लेते हैं, पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए, समझ गए, मालूम है ना आपको, पासवर्ड किसी के साथ जिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं भैया डाल के और लॉगिन करके आप लोग से फिर मिलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये भैया ये खुल गया है, मेरा लॉगिन हो गया है, देख सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं कैसा इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पैसा का ये जो निशान है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, कहाँ गया मेरा कर्सर दोस्त, ये वाला देखिए, यहाँ पे अभी पैसा है नहीं तो इसलिए 00 USD लिखा हुआ है। यानी दोस्तों जो पैसा आपका आता है तो यहीं पर शो होता है, ठीक है। ये यहाँ पर उस फॉर्म में शो हो गया कितना आपका पैसा यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे जोड़ना है, ठीक है दोस्तों, बैंक। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो 3 डॉट लाइन है, ये यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट लाइन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस 3 डॉट लाइन को क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पे एंड गेट पेड, पे एंड गेट पेड पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर है बैंक एंड कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं आप बैंक एंड कार्ड, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो मेरा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, जैसे ही ये मैंने किया, ये बैंक अकाउंट लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट दोस्तों, ये आ गया ना, आप देख सकते हैं लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट, यहाँ पर दोस्तों क्लिक करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर आपको सारा डेटा भरना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बोल रहा है कि लिंक अ बैंक अकाउंट, तो IFSC कोड डालना है और दोस्तों क्या करना है, अकाउंट नंबर डालना है दोस्तों। बैंक नेम लोकेशन सभी आप कर सकते हैं, लेकिन IFSC कोड से डालिएगा, ठीक है। तो या दोस्तों सभी लोग को पता होगा, जाहिर सी बात है आपका अकाउंट होगा तो आपका बैंक खाता होगा, बैंक के खाता से वो पासबुक आपको मिला होगा, पासबुक में दोस्तों IFSC कोड लिखा रहता है, ठीक है। तो IFSC कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सारा जानकारी जो है अपना भर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर IFSC कोड है, यहाँ पर अकाउंट नंबर है, मैं सारा जानकारी भर लेता हूं। और जानकारी भरने के बाद दोस्तों मैं यहां पे लिंक योर बैंक अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब दोस्तों यहां पे मैं उसका जानकारी पूरा फिलअप कर दे रहा हूं। तो दोस्तों देखिए सारा मैंने जानकारी भर दिया, देख सकते हैं यहां पे ये IFSC कोड मैंने डाल दिया है, अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है। अभी दोस्तों इसी तरह से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ से लिंक योर बैंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो लिंक बैंक पर हम क्लिक करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये हो गया, हाउ टू कन्फर्म योर बैंक अकाउंट। हाँ दोस्तों यहाँ पे सी द एक्सट्रैक्ट अमाउंट, इंटर दोज अमाउंट इन टू पेपल। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ये देखिए बैंक स्टेटमेंट आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ टू कन्फर्म योर बैंक अकाउंट। अब दोस्तों ये कन्फर्म कर रहा है कि जो है बैंक अकाउंट जो है पैसा ये भेजा है। देखिए वी सेंड टू ए स्मॉल डिपोजिट लेस देन 1.5 रुपया INR ईच। दोस्तों ये बोल रहा है कि ये जो है आपके बैंक में पैसा भेजेगा, ये जांच करने के लिए कि बैंक अकाउंट आपका है कि नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये भेजेगा, डेट्स यू विल रिसीव इन 3 से 5 डेज। दोस्तों ये बोल रहा है कि ये जो पैसा भेजेगा 1.5 रुपया से कम ही होगा, ठीक है, 2 भेजेगा। तो दोस्तों ये कुछ भी भेज सकता है 2, ठीक है। तो वो आपके जो अमाउंट आएगा बैंक में, तो आपके पास जाहिर सी बात है दोस्तों उसको आप प्रिंट आउट करवाइएगा तो आपके पासबुक पर वो आ जाएगा। अब दोस्तों वहाँ पे क्या करना है कि 3 से 5 दिन में ये रिसीव होगा, दे विल बी रिमूव्ड इन 1 withdrawal अ फ्यू डेज लेटर। दोस्तों यहाँ पे जो है दे विल बी रिमूव्ड, वो रिमूव्ड होगा इन 1 withdrawal या फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद दोस्तों वो आपको जो रिमूव्ड हो जाएगा वहाँ से। तो दोस्तों सिर्फ आपको जानकारी इनको ये देना होगा कि कितना कितना पैसा आया है, ठीक है। तो जो पैसा आएगा ताकि इनको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ चलो भाई ये जो है सही बैंक अकाउंट है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे इंटर दोज अमाउंट इनटू पेपल, लॉग इन इंटू पेपल, सेलेक्ट द बैंक अकाउंट फ्रॉम योर पेमेंट्स मेथड एंड इंटर द टू डिपॉजिट अमाउंट टू कन्फर्म योर बैंक। दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा कि ये 3 से 5 दिन के बाद आपको देखना होगा जो आपके खाते में पैसा आया है कितना आया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप लॉग इन पेपल में होइएगा, उसके बाद बैंक अकाउंट फ्रॉम योर पेमेंट मेथड में जाइएगा एंड इंटर दो डिपॉजिट, जाके 2 अमाउंट भेजेगा 1.5 रुपया से कम। दोस्तों वो कुछ भी भेज सकता है, हो सकता है 60 पैसा भेजे, क्योंकि 2 अमाउंट भेजेगा, 60 पैसा भेज सकता है, 90 पैसा भेज सकता है, या फिर 60 या 70, कुछ भी भेज सकता है, वो आपको दिखाई देगा। उसको यहाँ पे डालना होता है तभी जाके आपका बैंक कन्फर्म होता है, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए ओके है,
तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि ये करना है, तो ओके हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ ओके मैंने कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों ये बैंक जो है मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया है, समझ गए। अब ये 3 से 5 दिन में जब पता चलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बैंक है, कन्फर्मेशन पेंडिंग यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हैं ये कन्फर्मेशन अभी पेंडिंग दिख रहा है दोस्तों। और ये कब होगा, जब जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे जब वो आ जाएगा पैसा, जब यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ इतना पैसा आया है, जब कन्फर्म हो जाएगा तब यहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी ये कन्फर्मेशन नहीं है, पेंडिंग में है, आप समझ रहे हैं ना। वी हैव सेंड टू अ स्मॉल डिपॉजिट, यहाँ पे देखिए भेज रहा है कन्फर्म बैंक। अब यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म बैंक के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको वही करना होगा, रेडी टू कन्फर्म वी हैव सेंड, अभी कन्फर्म मत कीजिएगा दोस्तों क्योंकि पैसा तो अभी आया नहीं होगा। ठीक है, तो 3 से 5 दिन में आ जाएगा, तो आपको 3 से 5 दिन के अंदर में ही वो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रक्रिया मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये प्रक्रिया दिखाऊं कि पैसा जब आने के बाद कैसे यहाँ पे करना होता है ताकि फाइनल जो है कन्फर्मेशन हो जाए कि बैंक ऐड हो गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप नहीं कीजिएगा तो मैं समझ लूँगा कि आपको ये करने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कमेंट कीजिएगा तभी मैं बताऊँगा, समझ रहे हैं। नहीं कीजिएगा तो मैं समझ लूँगा कि आपका हो गया है, वैसे मैं तो खुद कर ही लूँगा। ठीक है दोस्तों, ये आज का वीडियो मैंने आपको बताया कैसे आप बैंक ऐड करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एटीएम कार्ड भी ऐड कर, जी एटीएम कार्ड भी ऐड होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एटीएम कार्ड भी ऐड होता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लिंक योर न्यू बैंक, सॉरी यहाँ तो है लिंक योर न्यू कार्ड, देखिए दोस्तों है ना, लिंक योर न्यू कार्ड, लिंक अ न्यू कार्ड। अगर आप चाहते हैं कि ये कार्ड भी ऐड करके दिखाएं, क्योंकि कार्ड ऐड करने से दिक्कत समस्या नहीं, आपको फ़ायदा ही होगा, कहीं भी आप पेपल से आप पेमेंट कर सकते हैं कार्ड के माध्यम से। तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि कार्ड भी सर बताइए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगना चाहिए कि आपको इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं इंटरेस्ट है। अगर आप जाहिर सी बात है कमेंट कीजिएगा तो इंटरेस्ट होगा, नहीं कीजिएगा इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मैं ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि ये मैं बताऊँ तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, लॉग आउट यहाँ से मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी मैं बताऊँगा, इसलिए अभी फिलहाल लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 3 डॉट लाइन है, इस पर जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए लॉग आउट का यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लॉग आउट हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है लॉग आउट, यहाँ पे देखिए नेट चल रहा है, हो गया लॉग आउट हो गया, अब देखिए लोग ऑप्शन आ गया लॉगिन का। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा आपको, तनिक कमेंट में लिखिएगा, तनिक बताइएगा हमको, सुनाइएगा कि हाँ सर अच्छा बताएं कि नहीं अच्छा बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट में लिखिएगा तब पता चलेगा कि अच्छा हम बताएं हैं कि नहीं बताएं, कि और कुछ सुधार करना चाहिए, ये सब कमेंट में लिखते रहिएगा, समझ गए, तब हम समझेंगे कि सही से हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कैसा हम काम कर पा रहे हैं, आप लोग के लिए वीडियो जो है सही हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ये सब लिखते रहिएगा। ठीक है, तो वैसे तो मैं संतुष्ट हूँ कि मैं जो बताया हूँ सही बताया हूँ, पूरा जानकारी आप लोग को दिया हूँ, अब आप लोग लिखेगा तभी मैं समझ पाऊंगा कि कुछ गलती या फॉल्ट हुआ हो तो उसका मैं भी सुधार भी करूँगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि भैया आप ही लोग तो हैं जो हमें बताते रहेंगे, आप ही के दिशा निर्देश पर हम चलते रहेंगे, उसी पर हम वीडियो लाते रहेंगे। तो भैया प्लीज़ हमारे इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अभी तक जैसे कि सपोर्ट करते आप लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इस तरह का कुछ जानकारी आपको चाहिए, इस तरह का नॉलेज आपको यहाँ से चाहिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी दीजिएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करने में क्या दिक्कत है, एक बार लाइक कर दीजिएगा, वैसे भी लाइक करना में फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि जानना जरूरी है, अपने डाउन में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चल सके कि चलो हमारा जो अपलाइनर है वो कम से कम इतना सिंसियर है कि सब जानकारी हमको प्रोवाइड करवाते रहता है, समझिए। तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर ये बताइए कि नेटवर्क में कैसे लोगों को ज्वाइन करवाएं, कीबोर्ड नेटवर्क जो है कीबोर्ड 91 का नेटवर्क कैसे पढ़ाएं, इसके बारे में थोड़ा वीडियो बनाइए। तो हाँ बनाऊंगा, मेरा तो काम ही है यार, मैं तो कीबोर्ड 91 से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, इसलिए आप लोग दोस्तों प्लीज डीमोटिवेट ना होइए, उसका भी वीडियो आएगा, मंडे ट्यूजडे तक वीडियो आ जाएगा। कल तो दोस्तों कमेंट पढ़ना है, जैसा कि कल जानते हैं कि संडे तो कमेंट पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91।